हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, डिटेल में समझाई गई है, रिवीजन पॉइंट्स भी साथ में लाए गए हैं। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की डिटेल पीडीएफ और डिटेल क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आपको, एमजेटी लिख करके सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है इस एप्लीकेशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों 107 लोगों को। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी पश्चिम बंगाल करने वाला है, कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। और अभी IFFM अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों रणवीर सिंह ने जीता 83 मूवी के लिए, और इसी मूवी को बेस्ट फिल्म में चुना गया है। नेटग्रिड का CEO बनाया गया पीयूष गोयल को, और ये पीयूष गोयल मंत्री नहीं है, ये IAS है एक, ठीक है ना। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप ये कलकत्ता में होगा, पिछली बार वाला जो हुआ था वो गोवा ने जीता था। उत्सव जमा नामक एक अद्वितीय सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया SBI ने, और अरुणाचल प्रदेश ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डॉनी पोलो हवाई अड्डा रखा है। डिफेंस फोर्सेज दोस्तों एप्सोस इंडिया की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा भरोसेमंद संस्थान बनी है, इसके बाद RBI है, फिर प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया है। भारतीय अमेरिकी पत्रकार उम्मा पिम्मा राजू का निधन हो गया है, ठीक है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के दिन से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे है, हाल ही में ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और ये बन गया है पहला देश, ठीक है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन वाला जो आया था ना, मतलब कोविड का जो नया स्ट्रेन आया था ओमिक्रॉन, उसके लिए इसने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है ब्रिटेन ने। वैक्सीन का नाम क्या है? बायवेलेंट। क्या नाम है? बायवेलेंट वैक्सीन जो है इसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दोस्तों मॉडर्ना के द्वारा बनाए गए बायवेलेंट वैक्सीन को अब मंजूरी दे दी है। तो ये ओमिक्रॉन BA.1 इसको टारगेट करेगा और इसके लिए ये टीका होगा। कोरोना वायरस के बारे में तो आप जानते ही हो, कोरोना वायरस से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम में। तो ग्रुप डी एग्जाम्स वालों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 2021 वाली जो ई बुक थी उसमें मैंने कोरोना वायरस के नाम से एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ था, और उसमें सारा का सारा क्वेश्चन एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। तो 2021 का ब्रह्मास्त्र ई बुक आप लेकर के देखिए जरूर। ब्रिटेन कैपिटल लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है, प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर कोई है नहीं। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने DG यात्रा शुरू करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है हैदराबाद में, इसने DG यात्रा शुरू करने की घोषणा करी है। देखिए यहाँ पर कंटेंट राइटर ने गलती कर दी है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों ये हैदराबाद में है ही, तो इसको हैदराबाद अलग से डालने का कोई मतलब था नहीं। चाहे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलो चाहे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलो, बात एक ही हुई, उसी का नाम है, ठीक है। तो फिलहाल डीजी यात्रा शुरू करने की घोषणा करी है दोस्तों किसने? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डीजी यात्रा रोल आउट ऑन अगस्त 18, तो 18 अगस्त यानी आज से ये चलेगा अगले 3 महीनों तक, ठीक है, डीजी यात्रा, ओके। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, ये जो डीजी यात्रा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग शुरू करेगा। और आपको अगर याद हो तो कुछ साल हो गए 2019 में ये रिपोर्ट आई थी, और मैंने आपको बताया था चेहरा पहचान प्रणाली का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना था? हैदराबाद, ठीक है। तो वो अब समझ लो एक प्रकार से पूरा रोल आउट हो चुका है और अब उसका परीक्षण बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, और अब डिजिटल प्रोसेसिंग के माध्यम से लोगों के फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और एक प्रकार से एक नई टेक्निक होगी, और इसे जो फेक पासपोर्ट बना करके यात्रा करते हैं, ठीक है, उनसे भी मुक्ति मिलेगी, उनको भी पहचाना जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, विलियम रूटो दोस्तों ये केन्या के नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। विलियम रूटो, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, केन्या इलेक्शन हुआ, वहां का रिजल्ट ये आया कि विलियम रूटो को
50.49% वोट मिला और ये बन गए हैं पांचवें प्रेसिडेंट केन्या के। इन्होंने चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री रैला अंडिगो को हराया है और अब बन गए हैं नए राष्ट्रपति। क्लियर है, विलियम रूटो। ध्यान रखिएगा, ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो भी लड़े थे राष्ट्रपति के पद के चुनाव को, उनको इन्होंने हराया और राष्ट्रपति ये बने हुए हैं केन्या के, विलियम रूटो। केन्या आया है, चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं केन्या है कहां पर। वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे ये है सबसे पहले अपना प्यारा भारत। अब चूंकि आप नाम से जानते होंगे केन्या कहां पर है, केन्या है अफ्रीका, एक अफ्रीकन कंट्री है तो अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका में आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, इधर इंडिया से अगर आप आओगे अरेबियन सी पार करके तो इधर सोमालिया, सोमालिया के जस्ट बाद है केन्या। केन्या की कैपिटल होती है नैरोबी। क्या होती है? कैपिटल होती है यहाँ की नैरोबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है केन्याई शिलिंग। क्या होती है? केन्याई शिलिंग होती है यहाँ की करेंसी, तो करंट टाइम पर करेंसी है। और यहाँ पर अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं विलियम रूटो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप आपको पता है ये हॉकी से संबंधित है और हॉकी से संबंधित कप के लिए भी दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, आप सर्च करके देख सकते हो। सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन इस बार मलेशिया में किया जाना है, ठीक है। अच्छा, पिछली बार की जो विनर थी दक्षिण कोरिया, उसने भारत को ही हरा करके जीता था फाइनल, तो भारत जो है समझ लो रनर अप टीम रही थी। ओके, तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी, ये 2 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है, कोविड की वजह से 2 साल तक नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी ये कब से कब तक आयोजित होगा? 16 से 25 नवंबर के बीच में होगा, मलेशिया के इपोह में होगा। याद रखना करंट चैंपियन कौन है? दक्षिण कोरिया। 2019 में लास्ट वाला जब टूर्नामेंट हुआ था तब फाइनल में भारत को हरा करके इसने जीता है। अच्छा, सबसे ज्यादा बार कौन रहा है सक्सेस? तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा 10 बार इसने ये कप जीता हुआ है। मलेशिया की बात करेंगे तो क्वालालंपुर इसकी कैपिटल है, करेंसी है मलेशियन रिंगिट और पीएम है इस्माइल साबरी याकूब। अब अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और आप लोग के लिए जीके स्कोर बूस्टर लाए गए हैं। इसमें 5000+ क्वेश्चंस वन लाइनर अप्रोच के साथ लाए गए हैं जिससे आप क्विकली रिविजन कर सको लास्ट टाइम पर। इसमें जनवरी से अगस्त 2022 तक का अपडेटेड वन लाइनर करंट अफेयर है 2500+। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 1000 क्वेश्चन है, 250 विज्ञान के, 250 कंप्यूटर, 250 इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, ये सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड ईबुक है और अभी कल या परसों में लॉन्च हुई है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। अभी जो एग्जाम हुआ था कल, एनालिसिस भी मैंने कराया था जाकर के एग्जाम सेंटर पर भी, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर जाकर देखिए, उससे आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो लोग भी एग्जाम दे रहे हो आपको वो पता होना चाहिए कि पूछा क्या क्या जा रहा है और क्या सिचुएशन है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कैसा क्या सिचुएशन है, तो आप वीडियो जरूर देखेंगे उसको। अगला है, हाल ही में लंदन में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मानित दिया गया? तो दोस्तों ब्लू फ्लैग सम्मान किया गया है दादा भाई नौरोजी जी के घर को। लंदन में इनका घर था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ही, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनके घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है, ठीक है। ब्लू फ्लैग एक प्रकार से उनका टैग होता है जो सम्मान करने, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जी को किया गया है, यहाँ पर आप आर्टिकल इसके रिगार्डिंग देख पाओगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने ही दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। इन्होंने 1867-68 में अनुमान लगा दिया था भारत की राष्ट्रीय आय का। उस टाइम पर इन्होंने प्रति व्यक्ति आय क्या बताई थी? प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताई थी उस टाइम पर 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ब्लू फ्लैग लंदन के इनके घर को, ऐतिहासिक घर को दोस्तों सम्मानित किया गया है ब्लू फ्लैग से। तो ये एक प्रकार सा से समझ लो कि एक सम्मान होता है, एक हेरिटेज उसमें घोषित कर दिया जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख दोस्तों बन गए हैं साइमन स्टील। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साइमन स्टील देख लीजिए, ये ग्रेनेडा के हैं, इनको यूएन क्लाइमेट चीफ नियुक्त किया गया है, ग्रेनेडा देश है। वहां के साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र का जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है।
अगर यूएनओ के बारे में बात करेंगे तो यूएनओ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसी वजह से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। जैसे यूएनओ को पोलियो हुआ ही है तो आराम से आप पोलियो दिवस याद कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, एंटोनियो गुटरेस यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं, 193 देश हैं यहाँ के मेंबर स्टेट्स हैं, और लास्ट वाला जो है वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है ना ये 193वां देश है, 193वां देश है, ये पूछा जाता है। अगला देखते हैं। अच्छा, कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनका मैं रिवीजन यहाँ पर करा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, और कल वैसे मैंने आपको पढ़ के ही बताया था तो आज केवल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया? तो देखिए, एक एक बैड न्यूज आई दोस्तों इंडिया के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए खासतौर से। फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय फुटबॉल संघ को इसने निलंबित कर दिया है फीफा ने। फीफा आप जानते ही हो, फेडरेशन इंटरनेशनल जी फुटबॉल एसोसिएशन। तो यहां पर आप आर्टिकल देख लीजिए, फीफा सस्पेंड्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो AIFF होता है ना भारत का, उसको इन्होंने निलंबित कर दिया है कोर्ट पैनल फॉर ओलंपिक बॉडी। अब देखिए, इससे एक चीज सबसे बड़ा डर बढ़ गया है। अभी 11 तारीख से 23 तारीख तक अक्टूबर महीने में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने जा रहा था और इसकी मेजबानी भारत ही कर रहा था, यानी कि ये भारत में ही हो रहा था, तो इसको अब खतरा बढ़ गया है। अगर मान लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर ही आरोप लगे हैं, तो इसी के द्वारा तो आता है भारत का फुटबॉल, तो अगर इस पर मान लीजिए, अभी तो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, अगर मान लीजिए कि दोष साबित हो जाता है तो फिर ये अंडर 17 महिला विश्व कप जो है इसकी मेजबानी भी टाली जा सकती है लास्ट टाइम पर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि आरोप लगा क्या है, तो दोस्तों इसमें लगा है कि यहाँ पर कुछ घूसखोरी के माध्यम से जो रिजल्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, इस पर लेकर के आरोप लगा है, मतलब कि समझ लो एक प्रकार से फिक्सिंग टाइप का कह सकते हैं लोग, ठीक है। देखते हैं, अभी जांच चलेगी और देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल फीफा के बारे में बात करेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, 1904 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। फीफा पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कार्ड छोड़े जा रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया विकसित किया गया? तो IIT हैदराबाद ने दोस्तों, हैदराबाद में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया, या कहें कि एक प्रकार से कृत्रिम कार्निया विकसित किया है, ह्यूमन कार्निया विकसित किया है, 3D प्रिंटेड होगा ये, तो IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है दोस्तों। इसके लिए इसने LVPEI और CCMB के साथ समझौता किया, मतलब मिल करके ये लोग लॉन्च किए हुए हैं। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल देख पाओगे, 15 अगस्त को ये छपा हुआ था। तो 3D प्रिंटेड एक कृत्रिम कार्निया है, एक प्रकार से कि आर्टिफिशियल कार्निया होगा, और इसमें दोस्तों बिल्कुल एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें कोई सिंथेटिक घटक नहीं है, पूरी तरीके से ये प्राकृतिक है, और दूसरी बात ये बिल्कुल अब प्रत्यारोपण के लिए भी तैयार है, यानी ट्रांसप्लांटेशन अब कभी भी इसका किया जा सकता है। तो यानी अगर किसी व्यक्ति में अगर कार्निया में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चेंज करा सकता है, ये भी पॉसिबल हो गया। अगला, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत को 2047 तक का टारगेट दिया है कि विकसित राष्ट्र बनाना है, अगले 25 वर्षों का टारगेट मिला है, ठीक है ना। अभी 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं 2022 में, तो अगला 25 वर्ष यानी 2047 जब होगा, यानी कि जब हम लोग 100वां अपना मना रहे होंगे दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, उस टाइम पर भारत विकसित देश बन जाए, ये लक्ष्य दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोस्तों 5 प्लेजेस भी दिए हुए हैं, 5 प्रण भी दिए हुए हैं लोगों को, और ये 5 प्रण क्या हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। ये 5 प्रण में दोस्तों सबसे पहला है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, ये सबको प्रण लेना होगा। दूसरा प्रण ये है कि गुलामी की हर सोच से मुक्ति पानी होगी। अभी भी कहीं ना कहीं बार बार, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, चाहे आप इतिहास देखो, चाहे आप बातचीत भाषा देखो, बहुत सारे रीजन में ऐसे दिखाई पड़ जाता है जैसे गुलामी वाली कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंश बाकी है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया कि कोई सा भी अगर गुलामी का अंश है उसको अब त्याग दो, भूल जाओ कि अंग्रेजों ने कभी हम लोगों पर राज किया था।
विरासत पर अपने गर्व होना चाहिए, जो भी विरासत है हम लोगों के पास उस पर गर्व होना चाहिए, और ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप जानते हो इंडिया जो है कितना पुराना देश है और भारतवर्ष कितना ज्यादा यहाँ पर विरासतें हैं। एकता और एकजुटता ये भी दिखानी होगी, अगर किसी देश को विकसित देश बनना है तो एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। नागरिकों का कर्तव्य, सभी नागरिकों को अपना अपना कर्तव्य भी समझना होगा। इसके अलावा नारी का सम्मान, नारी महिला सशक्तिकरण, ये सभी चीजें भी उन्होंने बताई हुई है। तो ये पांच मुख्यता प्लेस थे, यहाँ पर भी मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं। ओके चलिए, तो अब आगे बात करते हैं, नौवीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये आयोजन दोस्तों बैंकॉक में किया जाएगा, बैंकॉक में होगा नौवीं भारत थाईलैंड संयुक्त वार्ता या कहे ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। तो इसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये भी गए हुए थे, शामिल हुए और बैंकॉक में इन्होंने वहां पर भाषण दिया। अभी देखिए पाकिस्तान में एस जयशंकर जी का भाषण बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और कारण यह है कि वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने एक रैली में इनका एक वीडियो क्लिप चला दिया था, और मतलब एक एग्जाम्पल देने के लिए कि भारत और पाकिस्तान का उन्होंने कंपैरिजन किया था, और उसमें बताया था भारत देखो कितना आगे निकल गया है। वही क्लिप जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो गई है, और एस जयशंकर जी विदेश मंत्री जो की हैं, इन्होंने जो रसिया यूरोपियन नेशंस को इन्होंने जवाब दिया था, वही क्लिप है वो, ठीक है। तो फिलहाल ये नौवीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक है। पिछली वाली जो आठवीं वाली हुई थी वो भी 2 साल पहले ही हुई थी, 2019 को हुई थी नई दिल्ली में, अभी नौवीं आयोजित की जा रही है बैंकॉक में थाईलैंड में। तो चलिए अब थाईलैंड आया है, थाईलैंड आपको वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं कहां पर। सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप में यहां पर है अपना प्यारा भारत, यहां से आप आएंगे इधर बर्मा साइड में, बर्मा म्यांमार मतलब, और इसी के नीचे जस्ट है थाईलैंड। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है थाईलैंड। यहां की कैपिटल होती है बैंकॉक, और यहां की करेंसी होती है रिंगित। क्या होती है करेंसी? करेंसी होती है यहां की रिंगित। ओके, और यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान ओचा। कौन है? प्रयुत चान ओचा। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आरआरबी ग्रुप डी का जो स्कोर बूस्टर, इसको लेना मत भूलिए। आपका अभी जो एग्जाम है, हो सकता है इस स्टेज में ना हो, अगले वाले फेज में हो, तो तब तक लिए आपको वो मौका मिल जाएगा, आप इसको परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं, लास्ट में स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो गोपाल बागले हैं, ये क्वेश्चन था कल का। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट मैंने पूछा था आपसे, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट था। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे पहले आंसर किया था, उन टॉप 10 लोगों में हैं स्वर्णेश्वर कुमार, उषा साहू, निखिल मद्देसिया, रविकांत कुमार, राहुल कुमार, महेंद्र हेमरोम, पूजा जायसवाल, राजन तिवारी, शुभांगी त्रिवेदी और सानिया बंसल। आप लोग भी इन टॉप 10 लोगों में अपना नाम दर्ज करा सकते हो, और इसके लिए करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर करना है। याद रखिए डिटेल में अगर आप आंसर करते हो तो वो चीजें आप भूलते नहीं हो, अगर लिख देते हो तो लास्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाता है। आपसे क्वेश्चन है कौन सा अभियान आरपीएफ द्वारा चलाया गया है, इनमें से बताओ, और किस किस कारण के लिए चलाया गया, किस किस उद्देश्य के लिए चलाया गया है आरपीएफ के द्वारा, कुछ जो अभियान था वो भी आप बताएंगे। आईएफएफएम अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता, किस मूवी के लिए जीता, आप बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। इसकी क्विज और पीडीएफ आप एमजीटी ऐप पर प्राप्त कर पाएंगे, जाइए फटाक से एमजीटी ऐप डाउनलोड कीजिए और आप फ्री में क्विज और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।